बाद ये देख रहे हो, आपको लग ही रहा होगा स्नोफॉल हो रही है गाइस। सुबह हो चुकी है और नाश्ते के लिए अंडे उबाले जा रहे हैं। तो जी वो लोकेशन छोड़ के तो मैं आगे आ गया हूँ, लेकिन ये देख रहे हो टर्मैक भाई, ब्लैक टॉप। मतलब यार ये तो इन्होंने बहुत तेज काम किया है, 2 साल में यहां तक रोड बना दी, क्योंकि पेंसिला से यहां तक रोड बन रही थी जब हार्दिक और मैं आ रहे थे। बट भाई क्या बात है भाई, गाड़ी वालों के लिए तो ऐश हो गई है। तो क्या हार्दिक देख के हैरान रह जाएगा, क्या भाई ये तो नाइटमेयर से कम नहीं था जब हमने इसे क्रॉस किया था। वाओ अमेजिंग फीलिंग यार, बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं दूसरी लोकेशन पे अपनी जहां मैंने ओवरलैंडिंग करनी है। अब मेरी हालत तो खैर उजड़ी हुई है, मतलब मैं शक्ल भी नहीं दिखा सकता, ऐसी हालत है मेरी। तो देखते हैं, ओवरलैंडिंग करने का बहुत मन है मेरा, लेकिन मेरी हालत मेरे साथ नहीं दे रही है। सो लेट्स सी, अगर पानी मिल गया ना मुझे कहीं पे, पानी है तो बहुत, लेकिन नदी के पास कौन जाएगा यार, बहुत नीचे है। तो देखते हैं, अगर रांगदुम पे मिलता है पानी तो रांगदुम पे ओवरलैंडिंग करेंगे आज। मतलब ये लोकेशन मुझे मिली, मैं आ गया था रांगदुम अपनी पिछली लोकेशन जहाँ पे मैंने कैंपिंग करी थी उससे थोड़ा सा आगे, जो नज़ारे मैं दिखाता आ रहा था आपको। और उसके बाद ये देख रहे हो, आपको लग ही रहा होगा स्नोफॉल हो रही है गाइस। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे बस वीडियो डाली है कि आई एम गोइंग टू कैंप ओवर हेयर, बट ये देखो नज़ारे पूरे बदल गए भाई। यहाँ पे इतना प्यारा व्यू था सामने और पूरे नज़ारे बदल गए, और यहाँ से भी सारे नज़ारे बदल चुके हैं। हालांकि मौसम अब धीरे धीरे खुल रहा है, मतलब कुछ प्रेडिक्शन ही नहीं है यार, लद्दाख का वेदर अलग ही हो गया। अभी मैं टेंट खोलने ही लगा था कि ये देखो स्नोफॉल होने लगी। सो कोई नहीं, स्नोफॉल में खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रहना है अपने, ओवरलैंडिंग करनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाई, चाहे मौसम कैसा भी हो। क्या कहते हो? नहीं चलो खोलते हैं रूफ टॉप टेंट अपना। और आज कुछ नहीं, खावा के मैं आया हूँ अच्छे से लंच वंच करके, भूख इतनी है नहीं, प्रोटीन बार पड़ा है मेरे पास, खा के सीधा सोऊंगा, मतलब सेट करके सारा सेटअप करके टेंट, फिर सीधा सोने चला जाऊंगा। कल सुबह मिलेंगे आपसे, टेंट खोल ले जरा। रूफटॉप टेंट अपना खुल चुका है, मेहनत लगती है यार गाइस, मतलब मौसम ऐसा हो गया है तो सब करने में ना थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है। और आपने देखा ही, गाड़ी वाड़ी पे चढ़ के थोड़ा बहुत टेंट खोला मैंने, जैसे भी होता है कि दो प्लग यहाँ से, दो प्लग वहाँ से, दो प्लग क्लिप वहाँ से खोली, प्लग कह रहा हूँ मैं अभी, क्या कह रहा हूँ यार ठंड में। पर सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखो। वाह मैन, तो जी अब प्लान सारा कुछ यही है कि मैं ऊपर जाऊंगा, सेट करूंगा सब कुछ और सो जाऊंगा गाइस, क्योंकि ना कल मुझे बहुत जल्दी उठना है, और अगर मैं जल्दी नहीं उठा तो ना मैं बाकी चीज़ें जो मैंने सोची हुई हैं वो कर पाऊंगा, और उसके अलावा मैंने पेंसिला पास भी क्रॉस करके पादुम पहुंचना है, तो उसमें भी टाइम लगा क्योंकि आगे का सेक्शन थोड़ा टफ है। सो यही एक प्लान है, ऊपर जाऊंगा सोऊंगा और कल सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। अपनी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और गुड मॉर्निंग होते ही मैंने अपना
रूफटॉप टेंट बंद कर दिया है और ऑनिंग खोल दिया है ताकि मैं कुछ खाने के लिए बना पाऊँ। और रूफटॉप टेंट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पिछली 2-3 वीडियोस से आप देख ही रहे होगे मैं कैसे खोल रहा था, कहाँ कहाँ चढ़ रहा था। तो ना फिर मैंने आज यही किया कि एक तो देखो सांस भी फूल रही है, 4000 मीटर की हाइट पे हूँ मैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने यही किया कि आज मैं फटाफट इसे पहले पैक कर दूँ ताकि मुझे निकलने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और फिर हम आगे चलेंगे यहाँ से। वो पर नेक्स्ट वीडियो में होगा, लेकिन अभी जो माहौल होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सामान वगैरह मैं कैरी कर रहा था अपने साथ, ब्रेड हो गई, ये काला नमक और ये सेंधा नमक है ना, हाँ मम्मी ने सेंधा नमक ही दिया था। ये अंडे मेरे नहीं, मतलब हैं तो सॉरी मुर्गी के ही, बट मैं खरीद के लाया हूँ। और ये बर्तन है अपने, ये कुकिंग का पूरा सेटअप और ये अपना सिलेंडर। तो आज करते हैं कुछ बढ़िया, हाफ फ्राई खाता हूँ यार ब्रेड के साथ में, मज़ा आएगा। और जी ये मतलब कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार, आप लोग खुद बताओ कमेंट करके कि कैसी लोकेशन है ये। मतलब मैं जिस लोकेशन पे रुका हूँ वो लोकेशन अच्छी है या नहीं है। बाकी ये देखो रूफटॉप टेंट पूरा बंद है अपना और ऑनिंग खुली है, और ये ऑनिंग भी मुझे adventurehut.in से ही मैंने ली है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना हो तो प्लीज़ विज़िट adventurehut.in। इंस्टाग्राम पे भी इनका अकाउंट है, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। बाकी फ़िलहाल के लिए खाने का सेटअप तो कर लिया, अब ज़रा फ्रेश हो जाए, मुँह हाथ धोया जाए और ब्रश वश किया जाए, उसके बाद आगे की कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह अपना हो गया, आपने देखा ये हाफ़ फ्राई ब्रेड ये सब खाया मैंने अभी, और अब ठीक लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और सीन ये था कि मैं गाड़ी धोना चाहता था यहीं रिवर साइड पे, यहाँ पे देखो इतनी सारी शीप्स और गाय वगैरह टहल रही है ना, तो इनके जो मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई, वहीं के लोकल हैं, तो उनसे मैंने पूछा था मैं ये ब्लैक टॉप कहाँ तक है, तो कह रहे थे भैया 10-12 किलोमीटर आगे उसके बाद आपको कच्चा रास्ता ही मिलेगा। और फिर मैंने बोला मैं तो गाड़ी धोने की सोच रहा था, कहते नहीं मत धो क्योंकि ऊपर पेंसिला पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, तो आपकी गाड़ी वैसे भी गंदी हो जाएगी, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अभी फोकस करते हैं कि हम आगे निकलें पादुम के लिए और बीच में अपना दरांग रूंग ग्लेशियर वगैरह देखते हुए चलें, तो ये प्लान है। बाकी निकलते हैं अब यहाँ से, ओवरलैंडिंग है, ये एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था, और मतलब ये एक्सपीरियंस अब मैं करता रहूँगा। अभी और लोकेशंस हैं जो मैं देख रहा हूँ, ये तो वो हैं जो सबको पता है, कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती, अनएक्सप्लोर्ड होती हैं, वो करने मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं उस रूट के बारे में कुछ नहीं जानता और उस रूट पे अपनी गाड़ी ले जा के थोड़ा सा फ़न किया जाए तो उसमें अलग ही मज़ा है। नहीं बाकी फ़िलहाल के लिए यहाँ से निकलते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं यार। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चीयर्स।